थैंक यू पटना। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम एक बार पहले भी पटना आ चुके हैं 2018 में। तो उस समय हम क्या बिल्कुल खुले में प्रमोशन किया था, हम आ रहे हैं। अब तो क्या 3 क्लास होती है, मैं आऊंगा। लगा था स्टूडेंट्स आएंगे या नहीं आएंगे, बट डेफिनेटली हम बहुत खुश हैं, मतलब ऐसा रेस्पॉन्स देके। थैंक यू सो मच आपको। जैसे कि आज आज एक विशेष दिन है, टीचर्स डे, शिक्षक दिवस, तो मैं बस कुछ लाइन बोलना चाहूंगा कि टीचर्स डे पे एक बहुत ही आकर्षक दुर्घटना हो गई। हम आपके बिहार, आप हमारी पटना हो गई। और जो भी मैं बोलूं, इससे पहले कुछ चीज क्लियर करना चाहूंगा, इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी। कॉपी लेकर आए हैं सर, 2 बजे कॉपी लेकर आए हैं। आई होप सभी शानदार हैं, जानदार हैं। यस दोस्तों, जैसा कि अंकित सर ने बताया, मुझे एक टॉपिक दे दिया, आपको तो इसी पे बोलना है। हाँ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन करते ही हैं। बैचलर्स के ऊपर नियंत्रण रखना अनिवार्य होता है। तो आप कृपया लाइन लेंथ पर ही बॉल फेंके, हमें पता है। और ज्यादा टाइम तक आप ही नहीं बचोगे, हमारी शादी करवाएंगे आप और करेंगे तो सबसे, चलो बाकी बात है बाद में। सबसे पहला सवाल ये है शादी का। सर, आपको मेरी खुशी बता हो रही है? आपने 4 साल हमारे पीछे पड़ पुड़ा के हमारे को करवा दिया और आप खुद मांग रहे हो, ये तो गलत बात है। यहाँ भी माहौल आपका, वहां भी आपका। हाँ, तो हम लोग बात करते हैं रेलवे एग्जाम्स की। तो देखो, सबसे पहले तो ये मत सोचो कि अगर आप लोग की नौकरी लगी तो आपने करनी है। आपने सबने बहुत मेहनत कर रखी है, मतलब 2 साल में, मतलब सर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, जीके हो, आप लोग बहुत 2-3 बार पढ़ चुके हैं। लेकिन बात ये आती है सर, अभी हमारी नौकरी लगे, और जब तक आपकी नौकरी लगती है, समाज आपसे देखा कि भैया वो पढ़ नहीं रहा, कहीं और जाता है, देखो तो स्टूडेंट। तो ये तो देखो, हमारा कुछ सिस्टम भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि